वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फिफ्थ के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी, जो कि आपके कोर्स और सिलेबस से मुतालिक होगी। बाकी की सभी उर्दू ग्रामर, सभी दरख्वास्त, सभी निबंध, सभी एसे, सभी मजमून आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड होगी। तो बच्चों, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलमे की किस्में। तो कलमे की किस्मों के अंदर सबसे पहले जानेंगे कि इस्म क्या होता है। तो इस्म को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो हमेशा ध्यान रखना, वो सभी लफ्ज़ जो किसी भी चीज़, किसी भी आदमी, किसी भी जानवर या किसी भी जगह का नाम हो, वो सभी लफ्ज़ इस्म कहलाते हैं। एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि वो लफ्ज़ जो किसी चीज़, किसी आदमी, किसी जानवर या किसी जगह के नाम हो, इस्म कहलाते हैं। जैसे कि शेर, कलम, अहमद, दिल्ली वगैरह। अब है सिफ्त। सिफ्त का मतलब है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं ऐसे सभी लफ्ज़ जो कि इस्म के इन सभी नामों की, इन सभी चीज़ों की खासियत बताते हों। जैसे कि चाकू तेज़ है, तो तेज़ लफ्ज़ चाकू की खासियत बता रहा है। आदिल क्या है, आदमी का नाम है, आदिल तेज़ दौड़ता है, तो तेज़ दौड़ना क्या है, आदिल की खासियत है। तो ऐसे सभी लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ की खासियत या खामी को बयान करते हैं, उसको सिफ्त कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या कोई और खूबी बताए, उसे सिफ्त कहते हैं। याद रखोगे कि वो लफ्ज़ जो किसी भी इस्म की अच्छाई, बुराई या कोई और खूबी बतलाए, उसे सिफ्त कहते हैं। जैसे कि आबिद अच्छा लड़का है, असगर कुंद जहन है, चाकू तेज़ है। तो यहाँ पर अच्छा, कुंद और तेज़ तीनों ही लफ्ज़ क्या हैं, सिफ्त हैं। अब आगे है ज़मीर। ज़मीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रनाउन। तो ज़मीर को देखो बच्चों, इस तरह से समझोगे जैसे कि अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, राधा बहुत अच्छी लड़की है, वो देखने में, राधा देखने में बहुत सुंदर है, राधा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, राधा तेज़ दौड़ती है, तो बार बार राधा बोलना थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो किसी के भी नाम की जगह, यानी कि इस्म की जगह यह, वह, तू, तुम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना ज़मीर कहलाता है। अब हम क्या बोलेंगे कि एक बार बोल देंगे राधा अच्छी लड़की है, वे तेज़ दौड़ती है, वे सुंदर है वगैरह वगैरह। तो ऐसे सभी लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं। तो एग्ज़ाम में लिखोगे कि वो लफ्ज़ जो किसी इस्म के बदले में बोला जाए, जैसे कि वो, तो, तुम, मैं वगैरह, ये सभी लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं। अब बच्चों देखो, फ़ेल किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ़ेल को वर्ब। तो वर्ब यानी कि फ़ेल ऐसे सभी लफ्ज़ हैं जिन सभी लफ्ज़ों में एक्शन जाहिर हो और जिन सभी लफ्ज़ों के अंदर ज़माना यानी कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हो। जैसे कि आया है, जाएगा, जाना है, तोड़ता है या तोड़ेगा या रोएगा, यानी कि ऐसे सभी लफ्ज़ जिनसे कोई भी काम जाहिर होता है और उसके अंदर कोई ज़माना भी जाहिर होता हो, तो ऐसे सभी लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। तो एग्ज़ाम में देखो कैसे लिखोगे, वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम होता है और उसमें ज़माना भी पाया जाता है, उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे कि आया है, जाएगा, लिखेगा वगैरह। देखो आया क्या है, एक्शन वर्ड है और साथ में है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। जाना क्या है, एक्शन वर्ड है क्योंकि इससे कोई एक्शन हो रहा है, और साथ में क्या है, गा, तो गा का मतलब क्या है, यह है मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस। इसी तरह से लिखा था, तो था क्या हो गया, था हो गया पास्ट यानी कि माजी। तो और लिखना क्या हो गया, लिखने में एक्शन हो रहा है इस वर्ड के अंदर, तो एक्शन वाले सभी वर्ड हैं फेल, और उसके अंदर अगर कोई भी ज़माना लगा दिया जाए तो वो फेल कहलाता है। अगला है हुर्फ। वो लफ्ज़ जिसके मायने दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिले बगैर ना मालूम हो, जैसे कि मैं, से, को, तू, तुम वगैरह। याद रखेंगे कि देखो, अगर हम बोलेंगे उसको खाना खाना है, अगर हम बोलेंगे खाली खाना खाना, उसको हटा दें और है हटा दें, हेल्पिंग वर्ब्स हटा दें, हेल्पिंग वर्ब हटा दें, तो बिल्कुल अटपटा लगेगा। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, को, से, तुम, तक, पर, ये सब क्या हैं,
हर्फ कहलाते हैं। तो एग्ज़ाम में डेफिनेशन क्या लिखोगे कि वो लफ्ज़ हैं जिसके मायने दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिले बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, उसे हर्फ कहते हैं, जैसे कि मैं, से, को, तक, पर वगैरह। अब बच्चों इसी तरह से इस्म की दो किस्में हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। पहले है इस्म मारफा। तो इस्म मारफा का मतलब है जितने भी ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास आदमी, ख़ास जगह, कोई ख़ास जगह या कोई भी ख़ास चीज़, उससे उन सभी ख़ास चीज़ों को इस्म मारफा कहते हैं। तो एग्ज़ाम में लिखेंगे वो इस्म है जिससे कोई ख़ास आदमी, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ मुराद ली जाए, जैसे कि दिल्ली एक मशहूर जगह है, या कोई बड़े सेलिब्रिटी या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये ख़ास आदमी का नाम है। ऐसे ही कोई भी ख़ास चीज़ होगी वो इस्म मारफा की कैटेगरी के अंदर आएगी। अब इसी तरह से इसमें नकरा, तो इसमें सारी की सारी आम चीज़ें मुराद ली जाती हैं, जैसे कि आम आदमी, कोई भी दरख्त, कोई पेड़, कोई भी आम चीज़, पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह। तो डेफिनेशन लिखोगे कि वो इस्म है जिससे आम चीज़ें मुराद ली जाए, जैसे कि आदमी, दरख्त वगैरह। इसी तरह से इस्म की कैटेगरीज़ मुज़क्कर और मौनस भी होती है। तो बेटे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी लफ्ज़ों में अलिफ आता है वो मुज़क्कर यानी कि बॉय वाली कैटेगरी में आते हैं, और जिसमें ई की आवाज़ आती है वो किस में आते हैं, लड़की वाली यानी कि गर्ल वाली कैटेगरी में आती हैं। तो इनके डेफिनेशन कैसे लिखोगे, वो लफ्ज़ जिससे नर यानी कि मेल मुराद लिया जाए, जैसे कि घोड़ा, मर्द, बकरा वगैरह। मौनस किसे कहते हैं, वो लफ्ज़ जिससे मादा यानी कि फ़ीमेल मुराद ली जाए, जैसे कि घोड़ी, औरत, बकरी वगैरह। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।